हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है आलू मटर की सब्जी, और ये इतनी डिलीशियस बनी है मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये बहुत क्विकली बन जाती है, आई थिंक विद इन 25 मिनट्स 30 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है, और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं इसके लिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, आलू मटर की सब्जी। सो गाइस, आलू मटर बनाने के लिए जो मैंने यहाँ पर लिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 to 5 जो है आलू लिए, और आलू को काट कर इसको मैंने पानी में भिगो लिया है। आपको इस साइज के जो आलू है वो अपने काट के रखने हैं। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मटर, ये फ्रोजन मटर है, और इनको मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ है। और साथ ही साथ में यहाँ पर लिया मैंने एक प्याज, प्याज को आप रफली काट लो जैसा भी आपको होता है, और एक टमाटर, इसको भी रफली चॉप कर लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर लिया हरी मिर्च, आपके पास है तो आप यूज करें, नहीं तो आप स्किप कर दो। साथ ही में यहाँ पर है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अगर आपके पास पेस्ट अवेलेबल है आप ये यूज कर लो, अदरवाइज आप जिंजर और गार्लिक जो है वो भी डाल सकते हैं काट कर। और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है धनिया। और मसाले बिल्कुल बेसिक है, कोई भी ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये है जीरा, मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून के करीब ये है हल्दी, 1/2 टेबल स्पून के करीब है ये लाल मिर्ची, और ये साथ में है जीरा पाउडर, ये ऑप्शनल, अगर आपके पास है आप यूज करें, नहीं है तो आप ना यूज करें। और साथ ही में नमक, नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और साथ में हम यूज करेंगे ऑयल। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर आप ले लें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत जल्दी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। प्रेशर कुकर में मैं यहाँ पर डालूंगी तेल, तकरीबन ये 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ये तेल है, और इसके बाद मैंने गैस पहले से ऑन रखी हुई थी, तो ये प्रेशर कुकर जो है वो गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे हम ऐड करेंगे जीरा, और इसको थोड़ा हम भून लेंगे। जीरा जो है वो भून चुका है, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी ये कटे हुए प्याज। तो प्याज जो है वो थोड़ा बहुत अभी भून गया है, तो इसी स्टेज में अभी ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि है 1/2 टेबल स्पून, लाइक 1.5, आप चाहे तो 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और अभी इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। जो मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाली थी वो भी अच्छे से भून रही है, तो अभी इसी पॉइंट पर मैं ऐड करूंगी टमाटर। तो ये कटे हुए टमाटर हम इसमें ऐड कर देते हैं, और साथ ही साथ में हरी मिर्ची। और अभी हमें टमाटर को अच्छे से भूनना है, जब तक कि इसको आप ऐसे प्रेस करें और ये क्रच ना हो जाए, आपको इसको प्रॉपरली भूनना है। अभी इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूंगी अपने मसाले, मेरे को कम से कम 3 मिनट हो गए हैं इसको अच्छे से भूनते हुए। तो अभी इसी पॉइंट पर मैं ऐड करूंगी सबसे पहले तो धनिया। अब धनिया यूज करने के अलग अलग वेज होते हैं, मेरा तरीका है मैं थोड़ा सा धनिया पहले इस पर डालूंगी, बाकी का ऊपर से हम गार्निश करेंगे। तो इधर जाएगी हल्दी, लाल मिर्ची, साथ में जीरा और नमक, जो कि आपके स्वाद अनुसार। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स करके मसालों को पका लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि जो मसाला है वो तेल से अलग हो रहा है, विच मीन्स कि जो हमने मसाले ऐड करे थे वो अच्छे से भुन चुके हैं। तो अभी इस स्टेज पे मैं क्या करूंगी, मैं आलू ऐड करूंगी। आलू ऐड मैंने कर दिए इस मसाले में, वाह अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आलू डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे जो हमने आलू ऐड करे। आलू जो है मैंने 2-3 मिनट के लिए भून लिए हैं। अब मैं ऐड करूंगी मटर। मटर जो है फ्रोजन मटर है, इसलिए मैं ये बाद में ऐड कर रही हूँ। अगर आप रेगुलर मटर यूज कर रहे हो, लाइक मटर को छील कर मटर यूज कर रहे हो, तो आपको उसको पहले डालकर भूनना है आलू के साथ ही। सो अभी मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए। मटर ऐड करने के बाद अभी लास्ट स्टेप, हमें इसमें पानी डालना है और इसको विसल लगवाना है। तो अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि आपको पानी ऐसे डालना है इसमें,
कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं करना, आपको पानी लेना है और आप इसमें पानी ऐड करना स्टार्ट करें। और जब आप देखें कि आपके आलू और मटर पानी में ऐसे प्रॉपरली डिप हो गए हैं, मतलब डूब गए अगर मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, इस पॉइंट पर ऐसे, तो अगर आप इस तरीके से इसको विसल लगवाएंगे तो ये आपकी जो सब्जी है वो थोड़ी थिक बनेगी, गाढ़ी बनेगी, जो आप पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हो। लेकिन मैं इसको राइस के साथ बनाऊंगी तो इसलिए मुझे थोड़ी और ज़्यादा ग्रेवी चाहिए इसकी, तो मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल दूंगी, तकरीबन आधा कप और। तो चलिए सब कुछ रेडी है, बट इस पॉइंट पर अब आपको नमक मिर्ची मसाले चेक कर लेने हैं टेस्ट कर कर। अगर आपको नमक कम ज़्यादा लग रहा है तो आप ऑब्वियसली, अगर आपको कम लग रहा है तो आप ऐड कर दीजिए, बट अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो उसकी भी एक रेमेडी है, अगर आपसे गलती से नमक ज़्यादा डल गया है तो आप इस स्टेज पर इसमें मलाई या दही ऐड कर सकते हैं 2 चम्मच, उससे आपका जो नमक है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए अब इस पॉइंट पर इसको एक प्रॉपर बॉईल आने देते हैं एंड देन इसके बाद इसको विसल लगवाएंगे। सो गाइस, इसमें एक बॉईल आ चुका है, तो इस पॉइंट पे मैं अब क्या करूंगी, ये जो हरा धनिया है बाकी का जो बचा हुआ वो मैं इसमें ऐसे ऐड कर दूंगी। ये थोड़ा मेरा स्टाइल है, धनिया का फ्लेवर खाने में बहुत अच्छा आता है। अगर आप ऐसे, हमें लगवानी है इसकी 3 विसल्स, मतलब 3 सीटी। तो चलिए मैं इसको बंद कर देती हूँ। सो गाइस, 3 सीटी इसमें लग चुकी है, और सीटी लगवाने के बाद आपको इसको इमीडिएटली ओपन नहीं करना, इसकी पूरी भाप निकल जाए उसके बाद इसको ओपन करना। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, वाओ, इट्स लुकिंग अमेजिंग, वाओ। अब देख सकते हो आलू अच्छे से पक चुके हैं, बिकॉज अगर मैं इसको मैश करूं तो ये मैश हो रहे हैं और कलर भी बहुत सुंदर आया सब्जी का। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो अभी मैं करने वाली हूँ इस आलू मटर की सब्जी को सर्व। इसमें ये मैंने चावल पहले से बनाकर रखे हुए थे, अब इसमें मैं इसको सर्व करूंगी। सो गाइस, आलू मटर की सब्जी बनकर रेडी है, आप इसको राइस या चपाती के साथ खा सकते हैं, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।